पर नॉनस्टॉप मौज मस्ती हल्ला गुल्ला, मजे मजे के खाबों के बाद बच्चों और बड़ों ने पार्क्स का रुख कर लिया, चहलकदमी खुशगपियां, गुलशन पार्क जिलानी पार्क में फैमिलीज का रश, दो सहबाब से पार्कों में मेल मुलाकातों के टाइम फिक्स। ऑरेंज ट्रेन बेयारों मददगार, तामीराती काम बंद, ठेकेदारों ने डेरा गुजरा डिपो और स्टेबलिंग यार्ड पर तामीराती काम रोक दिया, ZKB कंपनी की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी, इंजीनियर्स और अमले का काम करने से इनकार, चाइनीज कंपनी CR नोरेंको ने टेस्ट रन के लिए 3 माह मांग लिए, खाली ट्रेन 3 माह तक पटरी पर चलाई जाएगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ताखीर, चीफ जस्टिस बरहम, अहले लाहौर को मुश्किल से आजाद कराना है, मुझे टाइम फ्रेम चाहिए, ठेकेदारों को भागने नहीं देंगे, चीफ जस्टिस, 90% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका, बाकी काम चाइनीज ने करना है, 3 से 4 माह लग सकते हैं, नुमाइंदा हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेक बाउंस होने पर चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी फाइनेंस को पेश होने का हुक्म, नई हुकूमत को साफ बता दे कुछ भी हो जाए मंसूबा मुकम्मल होगा, चीफ जस्टिस। सुल्तान जो चाहता करता रहा, हर मामले में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब सोसाइटी को फंड्स किस कानून के तहत दिए, PKLI प्रोजेक्ट की एकिंग से मंजूरी नहीं ली, अरबों रुपए की बंदर बांट की गई, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस का PKLI के सरबराह का नाम तजवीज करने का हुक्म, खैबर PK के कानून में देखा, यहाँ कोई कानून नहीं, जस्टिस इजाजुल अहसन के रिमार्क्स। पुलिस अफसरान और एहलकार खबरदार होशियार, सरकारी मीटिंग या मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी आए, खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, IG पंजाब ने हुक्मनामा जारी कर दिया। आशियाना इकबाल स्कैंडल में फवाद हसन फवाद का अहम इंकशाफ, शहबाज शरीफ ने तारिक बाजवा को आशियाना इकबाल के ठेके से मुतालिक इंक्वायरी की हिदायत की, फवाद हसन फवाद का नैब इंक्वायरी में बयान, गवर्नर स्टेट बैंक साबिक MD इंजीनियरिंग सर्विसेज करामतुल्ला चौधरी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। हमजा शहबाज के पंजाब असेंबली में बतौर अपोजिशन लीडर कागजात जमा, ख्वाजा इमरान नजीर ने कागजात जमा कराए, नून लीग ने कभी पार्लियामेंट पर लालच नहीं भेजी, इमरान खान जिसको डाकू कहते थे उसे स्पीकर बना दिया, आसिफ जरदारी की मजबूरियां, नवाज शरीफ की कोई मजबूरी नहीं, ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगु। पंजाब में कौन कौन वजीर फाइनल लिस्ट में आ सकी, पंजाब का सीनियर वजीर कौन होगा, फहरिस्तें रोजाना तब्दील होने लगी, इब्तदाई वजीरों की फहरिस्त में अब्दुल अलीम खान, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल, परसों फहरिस्त फाइनल होने का इम्कान। आबिद बॉक्सर की 4 सितंबर तक तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर, एडिशनल सेशन जज ने 4 सितंबर तक आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार करने से रोक दिया, आबिद बॉक्सर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, वकील। लाहौर न्यूज की खबर पर इंतजामिया का क्विक एक्शन, यूनियन काउंसिल 43 में अलाइशों की निशानदही पर अमले की दौड़े, इलाके से अलाइशों और गंदगी के ढेर खत्म कर दिए, अहले इलाका ने सफाई होने पर लाहौर न्यूज जिंदाबाद के नारे लगा दिए।
जानवरों की आलाइशें ईद के तीसरे रोज भी सड़कों और चौराहों में मौजूद। टाइफून उठने लगा, शहरियों का गुजरना महाल। डिप्टी कमिश्नर के मुख्तलिफ इलाकों के शटल दौरे, सुल्तानपुरा, तेजाब इहाता और शाहमीरा में सफाई मुहिम का जायजा लिया। शहर में हर तरफ गंदगी ही गंदगी। लोगों ने ओजड़ियां, बकरों की सिरियां, आंते और कचरा ड्रेन में डाल दिया। गुलबर्ग ड्रेन गंदगी से भर गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम बंद। माई नेम इज रैम्बो रैम्बो, जान रैम्बो गंद किलर। तो आपने भी गंद को मारना है, हमने भी मारना है। माई नेम इज रैम्बो रैम्बो, लाहौर को साफ और शफाफ बनाने का अजम। जान रैम्बो सबसे आगे। जामिया नईमिया में सफाई मुहिम में शिरकत, पानी से सेहन को साफ किया। अब तक 36 कुर्बान गाहों की सफाई कर चुके रैम्बो की गुफ्तगू। ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। इनफरादी के साथ शहर में भर में इज्तमाई कुर्बानियां, मुस्तहकीन ने गोश्त तकसीम। गोश्त खोरी मेदों पर पड़ गई भारी। लाहौरिये ईद पर गोश्त पर टूट पड़े। 3,100 मरीज सरकारी अस्पतालों में जा पहुंचे। न्यू अस्पताल में 800, जिना अस्पताल 600, सर्विसेज 550, सर गंगाराम 450 और जनरल अस्पताल में 650 मरीज दाखिल। मेदे साफ करने के बाद बेशतर अफराद डिस्चार्ज। सिरी पाए भूनने पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी, इंतजामिया इन एक्शन। 42 अफराद गिरफ्तार, मुख्तलिफ थानों में 40 मुकदमा दर्ज। 8 मकामात को सील करके 46 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। महकमा लाइफ स्टॉक और इंतजामिया की बेहिसी, गर्मी और हब से खाले खराब। मजमूई तौर पर 1,32,00,00,000 रुपए की खाले जमा, 45% खाले खराब। चमड़ा मंडी में ईद के तीसरे रोज खालों की फरोख्त न होने के बराबर। बैल और बछड़े की खाल 1500 से 1700 और बकरे की खाल 200 रुपए में फरोख्त। ईद खत्म होने को आई मगर चोरों डाकुओं की ईदी मुहिम खत्म ना हुई। इचरा की फैमिली को ईद मनाने गुजरांवाला जाना महंगा पड़ गया। अशरफिया पार्क में चोरी की बड़ी वारदात। चोर 100 तोले सोना और 1.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज ना किया, पुलिस ताबुन नहीं कर रही, मुतासरीन का इल्जाम। बड़ी ईद पर चिड़ियाघर की बड़ी ईदी। 3 रोज में 77,000 अफराद ने चिड़ियाघर की सैर की। इंतजामिया को 29 लाख रुपए की आमदनी। पहले दिन 7,000, दूसरे दिन 30,000 और तीसरे दिन 40,000। बड़ा फीस तो बड़ा टैट है। सब गुड़िया उड़ाने में मस्त थे और हम लूटने में। बचपन से प्यार करता हूँ जी आपसे। जब तक तेरी बेबी बाजी की शादी नहीं होती, अपनी शादी का सोचना भी ना। और ईद पर लॉलीवुड फिल्मों की धूम। सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश। जवानी फिर नहीं आनी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट। 2 रोज में 5,39,00,000 का बिजनेस। परवाज से जनून का 2,15,00,000 और लॉर्ड वेडिंग पर 90,00,000 की कमाई।